अच्छा बोलो भाई, घर के अंदर जब गृहिणी का पहला कदम पड़ता है तो क्या कहता है पूरा कुल? लक्ष्मी का प्रवेश हो गया। बोलो क्या कहता है पूरा कुल खानदान? लक्ष्मी का प्रवेश हो गया है हमारे घर में। लक्ष्मी हो तुम, प्रवेश करती हो, पहला कदम तुम्हारा पड़ता है लक्ष्मी बनकर के पड़ता है। इसलिए जहां पर सनातन धर्म की मर्यादा में पलने वाली नारी का पहला कदम पड़ेगा वहां झोपड़ी भी महल बन जाएगा प्यारे, क्योंकि ये लक्ष्मी का स्वरूप है। झोपड़ी भी महल बन जाएगा। और याद रखना, अगर परंपरा से हटके पैर पड़ा घर में तो महल भी होगा तब भी हिल जाएगा। होगा भले ही महल लेकिन फिर भी वो हिल जाएगा पूरा। पहली बार जब आती हैं थोड़ा बुरा मत मानना हमारी बात का, मानो तो खूब मानो, क्या दिक्कत की बात, कोई दिक्कत। लेकिन कहूंगा जनाब, पहली बार जब आती हैं तो कितनी सुंदर भाषा, क्या पति से जब बोलती हैं तो कहती हैं कि इस दुनिया में केवल मेरे जीवन में तू ही तू और कोई नहीं। आदमी कहता वाह, ये विश्वास पहली बार देखने को मिल रहा, मैं ही मैं हूं और कोई है ही नहीं। चलो अच्छी बात है, तू ही तू। और मायके गई, जब दोबारा में लौट के आई तो भाषा बदल गई। क्या इस दुनिया में केवल मैं और तू, मैं और, पहले तू ही तू फिर मैं और तू, दो हो गए। और तीसरी बार जब लौट के आई मायके से तो फिर तू तू मैं तू तू मैं तू तू मैं। क्यों भाई, यही कंडीशन होती है कि नहीं होती? तू तू मैं शुरू हो गई। नहीं, राम कथा हर घर में होना चाहिए। हर शब्द जो है वाणी से निकले तो वो रामायण का शब्द निकलना चाहिए, तभी राम राम जाएगा घर घर में। ये आपका धर्म कहता है माताओं, रामायण रोज पढ़ना है घर में। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन रामायण के पांच दोहे आप ना पढ़ लो। घर घर में रामायण, याद रखो, जिनके घर में रामायण नहीं है, हमारा आदेश है कि वो मार्केट से किसी धार्मिक पुस्तक भंडार से घर के अंदर रामायण रखे। बहू हो, बेटी हो, बुढ़िया हो, कोई भी हो, सभी रामायण पढ़ें। आप कहो महाराज हम महाभारत पढ़ें, हमारे लिए क्या बता रहे हो आप? केवल मात्र महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूं, अबाल वृद्ध नर नारियों के लिए कह रहा हूं, सामूहिक रूप से कह रहा हूं। बालक भी पढ़ें, बूढ़े भी पढ़ें, जवान भी पढ़ें, बेटियां भी पढ़ें, बहुएं भी पढ़ें, माताएं भी पढ़ें, सब क्या पढ़ें? रामायण। एक कितना सुंदर विकल्प आ गया है, इतना सुंदर विकल्प आ गया है। ये मोबाइल की जो क्रांति आई ना, इस क्रांति में इतना बढ़िया विकल्प है कि तुम खेत में हो और जरा तुमको पांच मिनट का समय मिले तो मोबाइल में सर्च कर लो रामचरित मानस बालकांड। बोलो खेत में ही बालकांड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? बालकांड आ जाएगा तुरंत। अयोध्या कांड की इच्छा हो तो अयोध्या कांड, जौन कांड कहो तो ना जाए, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। जे गावे यही चरित्र संभारे, फिर देखो जीवन का आनंद। ये आचार संहिता है तुम्हारे लिए, कोई भी समस्या आएगी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। रामचरित मानस को खोल के पढ़ लेना, समस्या का समाधान हो जाएगा। ये विश्वास के साथ कह रहा हूं, कोई भी समस्या होगी रामायण आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। इसलिए रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का संकल्प लिया है। घर घर में रामायण पहुंचाएंगे और घर घर में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो इसके लिए हस्ताक्षर कराएंगे। ये संकल्प है हमारा, हर घर से हस्ताक्षर होंगे, रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो।
आज मंदिर में राजा सब रानी शोभाशील तेज की खानी। ये तीनों कैसे रह रही हैं? बोले कौशल्याद नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। एक दिन महाराज दशरथ रोने लगे। देखो ये कहां से आ गया दुख, कहां से दुख आया, क्यों रो रहे हैं? एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुतना। ये गलानी हुई कि मेरे सुत नहीं है। अच्छा एक गलानी का अर्थ ये भी है कि मेरे पास सुता थी, पुत्री थी, लेकिन वचन में ऐसा बंध गया कि मैंने रोमपाद जी को दे दी बेटी अपनी। बोलो भाई, जो बेटी थी वो हमने अपने मित्र को दे दी, वो पालन पोषण कर रहा, अब मैं ले नहीं सकता हूं अपने मित्र से, क्योंकि वचन दे दिया ना। अब पुत्र नहीं है, ना पुत्री ना पुत्र, गिलानी हो गई। लेकिन याद रखना, गिलानी जब आवे तो दो ही विकल्प हैं, या तो ग्रंथ है या संत है। बोलो भाई, मैंने क्या बताया? जब कोई समस्या आए तो दो ही समाधान है, या ग्रंथ या फिर संत। जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए और जीवन में एक संत होना चाहिए। यदि संत तुम्हें मिल गया तो समाप्त हो जाएगी समस्या, ग्रंथ मिल गया तो समाप्त हो जाएगी समस्या। इसलिए महाराज श्री दशरथ ने समस्या के समाधान के लिए एक संत की शरण ली। किसकी शरण ली? संत की शरण ली। एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुतनाही। गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धराहूं धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी। चिंता मत करो, तुम्हारा दुख दूर होगा, जो भी तुम्हारी बिगड़ी है वो सारी बिगड़ी बनेगी, क्योंकि संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। आइए सब गाइए। संतन के संतन संगीत
अच्छी बने तेरी, अच्छी बने ओ तेरी बिगड़ी बने तेरी, अच्छी।